जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, लेकिन ये वीडियो है अभी से 3 दिन पहले का, जब लाला की आज्ञा हुई कि हमें उनके निकुंजों को सजाना है। और ये निकुंज सेवा सिर्फ 1 दिन की या 1 बार की नहीं है, कम से कम 6 महीने के लिए ये निकुंज सेवा होगी। क्योंकि जब आप निकुंज में वृक्ष, पेड़ पौधे कुछ भी लगाते हैं, तो सिर्फ लगाने से काम नहीं चलता, वहाँ जल देना पड़ता है, वहाँ वो व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ती हैं। उन निकुंजों के मैं नाम अभी नहीं बताऊंगी। अगर आप 1, 2, 3 निकुंजों में जब आप ये वृक्ष पौधे सब लगा लोगे, और लगने के बाद उनमें से अगर 2 वृक्ष या 2 पौधे आपके पल्लवित हो जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि हमारा कर्म या हमारी सेवा पूर्ण हुई। क्योंकि यहाँ पर बंदरों का आना, जीवों का आना निरंतर लगा रहता है, जल सेवा भी पूर्ण नहीं होती है। वो जल सेवा की का प्रबंध भी स्वयं करना होगा या किसी को लगाना होगा। यहाँ पर भी हमें वहाँ के भक्त के द्वारा मदद मिली, मदद ये कि मैंने उनसे कहा कि आप जल सेवा निरंतर करते रहिएगा, मैं उसकी व्यवस्था करने में आपकी मदद करती रहूँगी। तो इस प्रकार पहली हमारी ये पूरी क्यारियाँ शुरू हो गई, जिसमें मेरी एक सखी भी कह सकते हैं और मेरी शिष्य भी, क्योंकि प्रभु की कृपा से ही उनको मैं दीक्षा दे पाई थी। और उसके बाद उनका पूरा परिवार जो है इस सेवा में सम्मिलित हुआ था, क्योंकि मैंने बातों में ही बोला था, तो वो अयोध्या से यहाँ आ गई थी। और सबने मिलकर हमने सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक उस स्थान पर, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं जाता था, उस निकुंज को सजाया जहाँ राधा ने हमें स्वप्न द्वारा बताया था। अभी सिर्फ 50 ही हम लगा पाए हैं। दूसरी सेवा हमने की दूसरे निकुंज में, जहाँ पर हमने सिर्फ वृक्ष और पौधे और पुष्प पहुँचाने थे, बाकी वहाँ पर वो सेवा हम अपने हाथों से पूर्ण नहीं कर पाए, क्योंकि समय काफ़ी कम था। लेकिन निरंतर वो सेवा चल रही है। सबने मिलकर पूरे दोपहरे काम किया, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। ये लीला के कुछ पार्ट ही मैं आप सबके लिए बता रही हूँ, क्योंकि जिस वक्त आप सेवा करते हैं उस समय आप वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, बस आप उस सेवा को थोड़ा सा अपनी इन दृष्टि से देख पाओ, इसलिए कुछ शॉर्ट्स आपके लिए ये बनवा के रख दिए गए थे। सब पूरे पूरी मेहनत के साथ सब लगे हुए थे और सबने मिलकर इस कार्य को पूर्ण किया। सबको लग रहा था शायद ये काम पूरा ना हो, क्योंकि वहाँ पर सब कह रहे थे जीव आ जाते हैं, बंदर आ जाते हैं जो सभी को खा जाते हैं। और ये सारी क्यारी यहाँ पर सारी साफ सफाई, मतलब सुबह 10 से 3 बजे तक लगातार क्रिया चल रही थी। वहाँ पर लाली के सिंहासन से लेकर उसकी रास मंडली को पूरा अच्छे से सजाया, सुशोभित किया गया, तो फूलों से, श्रृंगार से बहुत आनंद मिला। अनंत भक्त आते जाते रहे, जो मिलते रहे और जिन्होंने पहचान कर बहुत प्रेम प्रदान किया, लेकिन वो सब मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं दिखा सकती, क्योंकि इतना समय नहीं है, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाने पर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सारा कार्य यहाँ किया गया। इस पूरे निकुंज में बहुत सारे पुष्प और वहाँ की सोनी सेवा सब कंप्लीट की, और उसके बाद सबको भूख लगी थी और मेरे मुख से निकला कि चलो मैं तुम सबको टिक्कर बना के खिलाऊंगी। यहाँ पर भक्त की लाला भी यहाँ आए थे, पप्पू, जो इतने दिनों से हमारे पास सेवा पा रहे थे, उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा था वह झूला झूल कर। इसके बाद हम पहुँचे हमारी सुदेवी जीजी के पास। सुदेवी जीजी हमारे द्वारा बनाई हुई वो पोशाक धारण किए हुए थी। यहाँ पर ही बाबा की आज्ञा से यहाँ पर सबके लिए हमने खाने की व्यवस्था शुरू कर दी। हम 3:30 बजे वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर सारी साफ़ सफाई सारी चीज़ की, क्योंकि हमारे लिए हमारी सुदेवी जीजी का घर हमारा घर है। दीदी ने ही हमें इतना मतलब क्या बोलूँ, इतना महत्व दिया है या प्रेम दिया है। सब ने वहाँ की पहले सफाई की, पूरा धोया, उसके बाद सब एक एक कार्य में लग गए और सब ने मिलकर वहाँ पर कार्य करना शुरू किया। रही बात सेवा की, देखिए भक्तों, जब आप
सेवा को पूर्ण भाव के साथ करते हैं तो भगवान आपसे अति प्रसन्न रहते हैं और आपको तब पता नहीं चलता कि कौन सा घर आपका है, क्योंकि सारी जगह तो आपको अपना ही घर दिखाई देने लगता है। और यहाँ पर ये सारी क्रिया करते करते हम सब ने मिलकर यहाँ पर सारी चीज़ों की व्यवस्था की और फिर मैंने सबके लिए मोटे मोटे टिक्कर बनाए जिसमें देसी घी भर के प्रभु को सबसे पहले प्रभु को पवाया, उनको भोग अर्पित किया बाबा ने, उसके बाद ही सबने उस प्रसादी को पाया। आप विश्वास कीजिए आधे घंटे के अंदर ही सब चीज़ बनकर तैयार हो गई थी और सारी चीज़ें इतने अच्छी इतनी स्वादिष्ट, जबकि पूरी सुविधाएं नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें कम थी, नमक मिर्च की सब्ज़ी थी, चावल सब रेडी होके तैयार हो गया था अचार। और हमारी प्यारी मैया ने हमें अपने ही आंगन में बैठा के खिलाया और उसके बाद पुनः दोबारा से साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन सब क्रिया करने के बाद हम वहाँ से निकले और वहाँ पर भी वृक्ष सेवा हमने प्रदान की, लेकिन हर चीज़ का वीडियो बना पाना बहुत टफ होता है। उसके बाद छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक वहाँ से निकलते हुए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है आप द्रव्य बच्चों को ना दिया करें, उसकी जगह खाने की कोई भी वस्तु दीजिए, चॉकलेट दीजिए, जो आप देना चाहते हो, फल दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, मिठाइयाँ दीजिए। और वहाँ से ये क्रिया करते हुए हमें बच गए थे 5:30 के करीब। उसके बाद हम निकले अपनी बरसाने वाली के पास। अब बरसाने वाली के पास जब हम पहुँचे तो वहाँ जो लीला घटित हुई है वही बताने में इतना समय लग गया है, क्योंकि जब हम ये सारी सेवाएं उस दिन कर रहे थे तो मेरा पहला भाव एक ही था, मैं वैसे कुछ मांगती नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि प्रभु जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, बस हाँ उस दिन जो भाव प्रकट हुआ वो भाव ये था कि हे मेरी राधा रानी, हे मेरे लाल, मुझे तुम दोनों को साथ देखना है, क्या मेरी ये अभिलाषा पूरी होगी, वो आपकी मर्ज़ी है। ये बात मैंने राधा बाग में लाडो से कही। उसके बाद जो हुआ ये वो सीन है जब मैं किसी से बात करने की अवस्था में नहीं थी, बहुत से भक्त आ रहे थे, वो मुझसे बात करना चाह रहे थे और सच कहूँ मुझे किसी की कोई बात याद नहीं, मुझे किसी की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जब मैं बरसाने में चढ़ी तो मैंने एक बालक को देखा जो बांसुरी बजा रहा था, मेरी आत्मा वहीं रुक गई, मेरे पैर अब बरसाने की तरफ श्री जी के महल में नहीं जा रहे थे, मैं वहीं पर रोने लगी। मेरे पास जो कुछ था मैंने वो न्यौछावर उस बालक पे किए, जब वो बालक, मैं बालक इसलिए संबोधित कर रही हूँ, बड़ा है, मैं शरीर नहीं देखती, मुझे दिखता ही नहीं शरीर। उसके बाद मैं मंदिर में पहुँची, मैंने कहा लाल तू तो मुझे दिख गया, लेकिन ये अवस्था में किसी को समझा नहीं पा रही थी, मैंने कहा लाडो क्या तू आएगी, तभी एक छोटी सी बालिका को लिए ये भक्त जो है वहाँ खड़ी थी, मैंने कहा ये किसकी बालिका है, मुझे उस पर बड़ा प्रेम आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मेरी किशोरी है, वो बोली पता नहीं ये किसकी बालिका है, मैंने कहा मेरी बहू आ गई, मैंने उसको गोद में लिया। अब वो बालिका उस भक्त के पास पुनः नहीं गई और मेरी अवस्था बढ़ती जा रही थी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, वो कह रही थी कि मैं इनकी माँ हूँ और मैं इन्हें प्यार करती हूँ, मैंने कहा ये बहू हो गई मेरी, अब ये आपके पास नहीं जाएगी। और ऐसा ही हुआ, वो बालिका पूरे समय, मुझे नहीं पता कौन वीडियो बना रहा है क्या, ये वही बालक है जिसके लिए मेरी आत्मा यहीं रुक गई, जब मैंने इसको देखा इसके पैर में एक ही पायल है, मेरी आत्मा बोली लाला, मैंने उनसे बात नहीं की, मैंने कहा लाला तूने एक ही पायल क्यों पहनी है, मेरा लाल तो बहुत पहनता है, मतलब मैं जा नहीं पा रही थी, पुनः लौट कर मैं जा रही थी। अचानक क्या हुआ, उस लाला के जाते ही एक दूसरा लाला वहाँ बांसुरी बजाने लगा, ये भ्रमित कर रहा था लाला कि देख मैया सब जगह मैं ही हूँ, सबको तो लग रहा था मैं भ्रमित हो जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं था, ये भक्त पंजाब से आए थे। उसके बाद ये जो आप सीन देख रहे हैं ये कब रिकॉर्ड हुए मुझे नहीं पता, शायद प्रभु को आपको ये सब दिखाना होगा, ये सीन तभी के हैं जब रात को लाला ने मुझे वो दिव्य दर्शन दिए श्री जी के महल में, जहाँ मैंने युगल सरकार को एक साथ देखा। अब वही अवस्था मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या है ये अवस्था, वैसे बताने योग्य नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ इनमें से अनेकों भक्त हैं शायद मेरी बात को ना समझ पाए और शायद उन्हें समझ आए भी ना, और जिन्हें समझ आ जाए तो समझ जाना तुम पर बड़ी कृपा हुई है। वहाँ जब मैं श्रीजी महल में उस बच्ची को खिला रही थी, मैं रोए जा रही थी, मैंने कहा लाला तू बाहर मिल गया, लाली
तू अंदर मिल गई, लेकिन मेरी प्रार्थना तो तुम दोनों को साथ देखने की थी। तुम साथ क्यों नहीं आए, बोलो साथ क्यों नहीं आए? वो लाली मैंने उस मैया को फिर पुनः दे दी। मैंने कहा, लाली तूने मुझे प्यार दिया, तू यही है। जो पुष्प हम श्री जी के लाए लिए लाए थे, वही मेरी प्यारी सखी ने लाली के गले में डाल दिए, क्योंकि वो जान गई थी कि यही मेरी श्री जी है। वो मेरे भाव बहुत जल्दी पकड़ जाती है। ऐसे ही तो होते हैं शिष्य, जो गुरु की बात को समझ जाए। ऐसी ही है वो, उसने इस चीज़ को समझा, उसने तुरंत वो पुष्प उसके गले में डाल दिए। उसके बाद मैं पुनः एक जगह एक स्थान पर बैठ गई। तभी पंजाब के बहुत से भक्त आए। मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी, मेरी अवस्था थी ही नहीं इस लायक कि मैं किसी से बात कर पाती। मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। उसके बाद मैं खड़ी थी, आरती का समय हो गया था, सब आरती के लिए तैयार थे, आरती कर रहे थे। तभी मैं क्या देखती हूँ, यही बालक मेरी आंखों के सामने से गया। मेरी गोद से वो बालिका किसी और की गोद में जा रही थी, मतलब मैं दे रही थी, तुरंत उसी वक्त ये बालक मेरी आंखों के सामने से गुजरा, लेकिन मुझे ये बालक नहीं दिखा। भक्तों, मेरी अवस्था सिर्फ प्रणाम की अवस्था में मैं नतमस्तक हुई थी। अब नतमस्तक होते ही जो मुझे दिखा वो मैं बताना चाहती हूँ। मैं रो रही थी, बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, सब कुछ रुक गया था। पूरा श्री जी महल शांत था। मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, मेरे गले से कंठ से मेरी जितनी शक्ति थी मैं वो चिल्ला रही थी। मैं कह रही थी, कृष्ण रुक जाओ, कृष्ण रुक जाओ। अभी मैं वो नहीं बोल पा रही हूँ, मुझे कोई नहीं दिख रहा था। मैं चिल्ला रही थी, हवा चल रही थी, एक हल्की हवा। मैंने सिर्फ पीछे का दृश्य देखा, पैर थे बड़े बड़े, वो पैर पीछे से आगे की तरफ जा रहे थे। मैं चिल्ला रही थी, पीछे से घुंघराले बाल उड़ रहे थे, मोर पंख का थोड़ा सा सीन मैंने देखा। वो हल्का हल्का, जैसे शुद्ध एकदम हल्की हवा हो जाती है जब हम बहुत स्पीड कम कर देते हैं, ऐसे चारों तरफ मेरी आत्मा ऐसे ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण। कोई नहीं सुन रहा था, कोई नहीं सुन रहा था। मुझे नहीं पता मैंने इतना चिल्लाया, कृष्ण आगे चला गया था। मैं बहुत शांत हो गई थी, इतनी शांत। मेरी श्री जी मेरे सामने थी, मेरा कृष्ण मेरे सामने था। मैं उसको पकड़ नहीं पाई, मैं छू नहीं पाई, मुझे नहीं पता। एक समय आया, बहुत सारे भक्त मेरे पास बैठे थे। कौन क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं सबको बताना चाह रही थी, कृष्ण सामने था, श्री जी थी, देखो ना। मैं अपनी शिष्य को बता रही थी, मैं अपनी सखी को बता रही थी, मैं सोना को बता रही थी। तुमने क्यों नहीं सुना? मैं आवाज़ दे रही थी, तुम लोग क्यों नहीं देखे? ये करते हुए पता नहीं कितना वक्त गया। आधे एक घंटे बाद या एक घंटा हो गया, मुझे नहीं पता। अभी भी ये सारी चीज़ें मैं बोलने की कोशिश कर रही थी। अब हम सब वहाँ से आ गए थे, तब मैं थोड़ी शांत हो गई। बहुत सारे लोग बैठे थे मेरे पास, सब बोल रहे थे, मैया मैया मुझे बात करनी है, इतना ही मुझे याद है। उसके बाद मुझे बस एक आवाज़ आई, कोई बालक आया, वो बोला, मैया तुझे वो लाला बाहर बुला रहा है, तू रो मत, वो तेरा इंतज़ार कर रहा है। अभी भी मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। मुझे अंजू बार बार कह रही थी, दीदी चलो ना, आपको लाला बाहर बुला रहा है। थोड़ी देर बाद मुझे लगा लाला जा रहा है वहाँ से। मैं खड़ी हुई, मेरी सखी ने मुझे पकड़ा, बोली चल। मेरे शरीर में शक्ति नहीं थी, मैं चल नहीं पा रही थी, मेरा शरीर नहीं चल रहा था। मैं गई, सच में लाला वहाँ नहीं था। मैंने कहा, वो कैसे चला गया बिना मिले, क्यों गया मुझसे बिना मिले? तब तक मैंने पीछे मुड़ के देखा, लाला मेरे पास ही था। लाला आया, आके वो स्टीले पे बैठा, मैं उसके पास बैठी।
मैंने उसके सिर पे हाथ फेरा, मैंने कहा लाल माँ को छोड़ के कहाँ गया था बता। बोला मैया तूने बहुत बांधने की कोशिश की पर मैं बंध नहीं सकता ना, पर तेरे प्यार में बंधा था लेकिन अब मुक्त हो गया ना मैया। मैंने कहा हाँ लाल तू मुक्त है, मैं भी मुक्त होना चाहती हूँ। कहाँ ढूंढ रहे हो कृष्ण को? उसने बोला तभी सोना मुझे बोली क्योंकि मुझे बोध नहीं था दिव्या मैं इसे अपनी पायल दे दूँ। मैंने कहा दे दे मेरे लाल को, दो पायल पहननी है। सोना ने अपनी पायल उतारी, अपनी पायल उठाई, मैंने लाला के हाथ में रखी। करते करते उसकी खूब न्योछावर की। लाला बोला मैया मेरे पीछे चोर पड़ जाएंगे। मैं हंसी और बोली क्या रे लाला मैया को फिर भ्रमित करता है, तुझे कौन चोरी करेगा रे चोर कहीं के, सबसे बड़ा चोर तो तू ही है। लाला बोला मैया मैं बाहर नहीं आता। मैंने कहा मैं जानती हूँ, मेरी आत्मा बताना क्यों परेशान है इतनी। बोला ये जंजाल है ना मैया इसी वजह से। फिर लाला ने मुझे बांसुरी सुनाई, उस बांसुरी को सुन मेरी आत्मा तृप्त हुई। मैं क्या बताऊँ, आप सब सिर्फ ये शरीर देख रहे हो लेकिन सब में मेरा कृष्ण समाया है। मैं ना पहचानूं भले मेरी आत्मा पहचान लेती है, मेरा कृष्ण मुझसे मिलने आया है। उसे शरीरों की क्या आवश्यकता, वो तो सर्वत्र है, हर जगह है। देखने की वो दृष्टि होनी चाहिए। तुम सब भटको मत, कृष्ण को समझो। कृष्ण प्रेम है, कृष्ण त्याग है, कृष्ण समर्पण है, कृष्ण प्रेम अनंत प्रेम, कृष्ण ज्ञान है। कृष्ण वो है जब तुम्हारे अंदर अंदर से तृष्णा निकल जाएगी, तुम्हारे अंदर से स्वार्थ निकल जाएगा, सिर्फ प्रेम बचा होगा तो कृष्ण दिख जाएगा। ये तेरा ये मेरा ये भाव समाप्त हो जाएगा। कृष्ण करुआ रूप में साक्षात आ गया, मनुष्य रूप में वो साक्षात है, लेकिन इस शुद्धि और इस शुद्धता का मतलब मैं आपको फिर बताऊंगी। एक साथ इतना समझोगे तो पागल हो जाओगे। मैं सबको समझाना चाहती हूँ, कृष्ण आपके पास है, आपको आनंद दे रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। कृष्ण क्यों करुआ के रूप में आया, वो शुद्ध है। ये पापी शरीर है, पापी शरीरों के पुण्य पाप होते हैं, कृष्ण का कोई पाप पुण्य नहीं होता, वो हल्का होता है। तुम दोगे तो खाएगा, तुम करोगे तो करेगा। वो आ गया, तुम अब भी उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हो, कोई वस्त्र नहीं पहना पा रहे हो, तुम उसको पुष्प नहीं उड़ा पा रहे हो, तुम कहते हो ईश्वर आ जाओ। वो तुम्हारे पास लड्डू गोपालों के रूप में आया लेकिन तुम वो सेवा भी नहीं कर पा रहे हो, तुम करुआ की सेवा कैसे करोगे? उसको तुम्हारे सोने चांदी से मतलब नहीं है, तुम शरीर से सेवा कर लो। धन नहीं है तो चिंतन से सेवा कर लो, अपने अंदर के शैतान को खत्म कर दो, क्योंकि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही कृष्ण ही कंस है। कैसे समझोगे? गीता खोलनी पड़ेगी, भागवतम पढ़नी पड़ेगी, उस ज्ञान को समझो, उसके विराट स्वरूप को समझो। उसी में भीष्म पितामह है, तुम सब अर्जुन हो। जिस दिन ज्ञान रूप कृष्ण आ जाएगा तुम कृष्ण हो जाओगे, और कृष्ण हो गए तो कृष्ण को पा जाओगे। राधे राधे, श्री हरिदास।